Tag TV updates you about corona situation in Canada and around the globe. Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at Tag TV. कनाडा में ओमिक्रॉन के फैलाव के सबब सूबों ने पाबंदियां मजीद सख्त कर दी। क्यूबेक में रात के कर्फ्यू का नफाज, ऑन्टेरियो में रिकॉर्ड 13,800 जायद नए केसेस रिपोर्ट। टोरंटो में नए साल की आमद के मौके पर हर शहर का मौसम सर्द रहेगा, शहर में मुंजमद बारिश का भी इम्कान है। इस वीकेंड पर शहर का कम से कम दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में एक बार फिर इजाफा, मरीजों की मजमू तादाद 21,42,310 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतें 30,280 हो गई। जो बाइडन और व्लादिमिर पुतिन की एक दूसरे को फोन पर धमकियां, पाबंदियां लगाई तो ताल्लुकात मुनक़ता कर देंगे। रूस की अमरीका को धमकी, चीन की अमरीका को ताइवान के मामले में मदाखलत पर संगीन नतीजे की धमकी। जनवरी के आखिर में काबुल में ट्राइका प्लस कॉन्फ्रेंस मुनक़द की जा रही है। रूसी नुमाइंदा खसूसी बराए अफगानिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान में जाम हुकूमत ख़वातीन के हुकूक के एहतराम की ज़रूरत है। काबुल में ट्राइका प्लस कॉन्फ्रेंस की हतमी तारीख मुतय्यन नहीं की गई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस की तबाहकारियाँ जारी, मुतासर अफराद की तादाद 28,69,98,295 तक जा पहुँची है, जबकि इस मूजी वायरस से अमवात 54,48,803 हो गई। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर ना ऑयली ना स्टिकी ना बदबू और मुकम्मल अब्सॉर्प्शन, और हाथ नर्म मुलायम और साफ। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफे को रोकने के लिए सूबों की जानिब से अहम इकदाम किए जा रहे हैं, मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफे को रोकने के लिए सूबों की जानिब से अहम इकदाम किए जा रहे हैं। क्यूबेक के प्रीमियर ने जुमेरात नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया, जिसमें रात का कर्फ्यू भी शामिल है जो नए साल की शाम से शुरू होगा। कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए होगा। प्रीमियर का कहना था कि इस बात का खतरा है कि अस्पतालों में दाखिल होने वालों की तादाद हमारी सलाहियत से ज्यादा हो जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि कोविड-19 से मुतालिका अस्पतालों में दाखिले जो जुमेरात को 939 थे, एक हफ्ते में दुगने हो गए थे। सेहत हुकाम ने जुमेरात को रिकॉर्ड 14,188 केसेस की इत्तला दी, क्योंकि सूरत हाल इंतहाई संगीन है। उन्होंने कहा कि जब सूबे में कोविड फैलाव की शरह कंट्रोल में होगी तो कर्फ्यू पहला हेल्थ ऑर्डर होगा जिसे हुकूमत हटाएगी। दूसरी जानिब ऑन्टेरियो बड़े मकामात पर जमा होने वाले लोगों की तादाद में ड्रामाई तौर पर कमी कर रहा है। जुमेरात को ऑन्टेरियो के चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ की जानिब से नई पाबंदियों का ऐलान किया गया। हुकूमत ने कहा कि बड़े मकामात पर गुंजाइश अब 50% या 1,000 अफराद तक महदूद रहेगी। ये तब्दीली जुमे की सुबह 12:01 से नाफिज होगी। हुकूमत और सेहत के चीफ मेडिकल ऑफिसर इस बात का तायुन करने के लिए डेटा की निगरानी करते रहेंगे कि उन सेटिंग्स में सलाहियत की हद को ख़त्म करना कब महफूज है। ऑन्टेरियो में जुमेरात को रिकॉर्ड 13,807 नए कोरोना वायरस केसेस रिकॉर्ड हुए। डॉक्टरों ने बड़े मकामात पर सलाहियत की हदूद पर तश्वीश का इजहार किया है। सूबा बढ़ते हुए कोविड-19 केसेस के दरमियान 5 जनवरी तक स्कूल के आगाज को मौखर कर देगा। टोरंटो में नए साल की आमद के मौके पर हर शहर का मौसम सर्द रहेगा, जबकि शहर में मुंजमद बारिश का भी इम्कान है। नए साल के पहले वीकेंड पर शहर में हल्की बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा, मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो में नए साल की आमद के मौके पर हर शहर का मौसम सर्द रहेगा, जबकि शहर में मुंजमद बारिश का भी इम्कान है। नए साल के पहले वीकेंड पर शहर में हल्की बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। ऑन्टेरियो के इदारों और ग्रुप सेटिंग्स पर लगाई गई पाबंदियों की वजह से शहरियों को अपने मंसूबे तब्दील करना होंगे, जबकि माहरीन ने ओमिक्रॉन के फैलाव के सबब शहरियों को घरों में रहने का हुक्म दिया है।
इस वीकेंड पर शहर का कम से कम दर्जा हरारत -10 जबकि ज्यादा से ज्यादा 5 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। हफ्ते के रोज शहर में मुंजमद बारिश मुतवक्के है जबकि दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और रात के औकात में बर्फबारी के साथ शहर का दर्जा हरारत -6 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। इतवार के रोज शहर का दर्जा हरारत दिन के औकात में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा जबकि मुंजमद बूंदाबांदी का भी इम्कान है। रात के औकात में शहर का दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाएगा। आइंदा हफ्ते शहर का कम से कम दर्जा हरारत पीर के रोज -5 जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत बुध के रोज 2 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। कनाडा के ओंटारियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 7,39,648 तक जा पहुंची है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में एक बार फिर इजाफा देखने में आ रहा है। आखिरी इत्तला के मुताबिक कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमू तादाद 21,42,310 तक जा पहुंची है जबकि हलाकतें 30,280 हो गईं। मुल्क भर में 18,78,245 से ज्यादा मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। ऑन्टेरियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 7,39,648 तक जा पहुंची है जबकि हलाकतों की तादाद 10,200 है। ओटावा के एक अस्पताल ने COVID-19 की वजह से अमले की कमी की वजह से इंटरनल कोविड ऑरेंज का ऐलान किया है। मिसिसागा के इंतजामिया ने ऐलान किया है कि एक नई वबा ओमिक्रॉन के फैलाव के खदशे के पेश नज़र नए साल की फायरवर्क्स तकरीबात और दीगर ऐसी तमाम इज्तिमाई तकरीबात को मंसूख कर दिया गया है जिसमें वबा के फैलने का अंदेशा हो। कमिश्नर कम्युनिटी सर्विसेज जुडेरो बिलॉस का कहना है कि ये एक मुश्किल फैसला था, ताहम शहरियों की सेहत उनके मफादात के लिए ये एक अहम इकदाम है। उन्होंने कहा कि वबा की मौजूदगी में बड़े इज्तिमात का अहतमाम खतरे से खाली नहीं। उन्होंने शहरियों से अपील की कि वो छोटे इज्तिमात के जरिए एक दूसरे की खुशियों में शरीक हों। कैनेडा में कोरोना वायरस के सबब सबसे ज्यादा हलाकतें क्यूबैक सूबे में हुई हैं। सूबे में कोरोना वायरस के मजमू केसेस की तादाद 5,86,607 है जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 11,711 तक पहुंच चुकी है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में भी इस मोहलिक वबा में इजाफा देखने में आ रहा है। अल्बर्टा सूबा इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से बहरानी सूरत हाल का सामना कर रहा है। सूबे में 3,61,623 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं जबकि 3,310 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में केसेस की तादाद 2,51,054 है जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 2,420 है। अमेरिकी सदर जो बाइडन से 50 मिनट तवील फोन कॉल में रूसी सदर का कहना था कि यूक्रेन के मसले पर रूस पर इक्तिसादी पाबंदियां संगीन गलती होगी, अमेरिका ऐसा करने से बाज रहे। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। रूस ने इक्तिसादी पाबंदियां लगाने की सूरत में अमेरिका को ताल्लुकात मुनक़ता करने की धमकी दे दी। अमेरिकी सदर जो बाइडन से 50 मिनट तवील फोन कॉल में रूसी सदर का कहना था कि यूक्रेन के मसले पर रूस पर इक्तिसादी पाबंदियां संगीन गलती होगी, अमेरिका ऐसा करने से बाज रहे। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने रूस पर कशीदगी में कमी करने पर जोर दिया। सदर जो बाइडन का कहना था कि अगर रूस ने यूक्रेन में मजीद मदाखलत की तो मगरबी ममालिक फैसला कुन जवाब देंगे। यूक्रेन के हवाले से दोनों ममालिक ने एक दूसरे पर कशीदगी बढ़ाने के इल्जाम आयद किए। अमरीकी सदर जो बाइडन और रूसी सदर प्यूटन के दरमियान एक माह के दौरान ये दूसरा बराह रास्त रब्ता है। अमरीका और रूस के दरमियान यूक्रेन के मसले पर कशीदगी पाई जाती है। दूसरी जानिब चीन के वजीर खारजा वांग यी ने खबरदार किया है कि अमरीका को ताइवान के लिए अपने इकदाम की वजह से नाकाबले बर्दाश्त कीमत अदा करनी पड़ सकती है। चीनी वजीर खारजा ने कहा कि ताइवान की आज़ादी के मुतहरिक क़ुव्वतों की हौसला अफजाई करके अमरीका न सिर्फ ताइवान को एक इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल में झोंक रहा है जिसकी वाशिंगटन को नाकाबले बर्दाश्त कीमत अदा करनी पड़ सकती है। अफगानिस्तान के लिए रूस के खसूसी नुमाइंदे जमीर काबलोव का कहना है कि तालिबान हुकूमत को अमली तौर पर तस्लीम किया जा रहा है। जनवरी के आखिर में काबुल में ट्राइकल प्लस कॉन्फ्रेंस मुनक़द की जाएगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अफगानिस्तान के लिए रूस के खसूसी नुमाइंदे जमीर काबलोव का कहना है कि तालिबान हुकूमत को अमली तौर पर तस्लीम किया जा रहा है। जनवरी के आखिर में
काबुल में ट्राइका प्लस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जा रही है। रूसी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में अफगानिस्तान के लिए रूसी खसूसी नुमाइंदे जमीर काबलोव का तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने के सवाल पर कहना था कि सियासी तौर पर तस्लीम करना एक अलामती अमल है, ताहम अमली तौर पर तस्लीम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि तालिबान वफ़ ने मास्को इजलास में शिरकत की, जिसमें उन्हें 10 ममालिक के मंदोबैन से मिलने का मौका मिला है। जमीर काबलोव का कहना था कि अफगानिस्तान में जामा हुकूमत ख़वातीन के हकूक के एहतराम की ज़रूरत है। तालिबान हुक्काम को इस बारे में संजीदगी से सोचना चाहिए। अफगान ख़वातीन के लिए तालीम, समाजी, सियासी सरगर्मियों तक रसाई होना अहम है। उनका कहना था कि काबुल में जनवरी के आखिर में ट्राइका प्लस कॉन्फ्रेंस होगी। काबुल में ट्राइका प्लस कॉन्फ्रेंस की हतमी तारीख मुतय्यन नहीं की गई। कोरोना वायरस के केसेस और इससे अमवात के एतबार से अमरीका ताहाल पहले नंबर पर है, जहां इस वायरस से अब तक 8,45,745 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 28,69,98,295 तक जा पहुंची है, जबकि इस मौजी वायरस से अमवात 54,48,803 हो गई। 25,37,47,836 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस के केसेस और इससे अमवात के एतबार से अमरीका ताहाल पहले नंबर पर है, जहां इस वायरस से अब तक 8,45,745 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमुई तादाद 5,52,52,823 हो चुकी है। 1 अरब से जायद आबादी वाला मुल्क भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से दूसरे नंबर पर है, जहां इस वायरस से 4,81,080 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासरा 3,48,38,804 मरीज सामने आ चुके हैं। सऊदी अरब इसी फहरिस्त में 63वें नंबर पर पहुंच चुका है, जहां कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 8,875 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में कोरोना मरीजों की तादाद 5,55,417 तक जा पहुंची है। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी। Tag TV updates you about corona situation in Canada and around the globe. Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at Tag TV.